दोस्तों आज हम कुछ ऐसा लाए हैं जो खासकर लड़कों के लिए है, जिनके मन में अक्सर अपने चेहरे को लेकर चिंता बनी रहती है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें आपको कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो 100% काम करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा लड़कियों को कि वो अपनी स्किन की कितनी चिंता करती हैं, पर लड़कों को इस मामले में इतना ख्याल नहीं होता, वे इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। हम देखते हैं कि लड़कियां अपने आप को धूल मिट्टी और धूप से बचा कर रखती हैं, लड़के ऐसा नहीं करते, इसलिए उनके चेहरे का रंग थोड़ा फीका यानी काला पड़ने लगता है। इसी कारण उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस होती है। पर अब आपको इस बात पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप कुछ ही दिनों में अपना रंग गोरा यानी कि त्वचा को साफ और सुंदर कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको किसी क्रीम या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहे हैं, यह पूर्णतः घरेलू है, तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम मात्र के होते हैं और कोई काम नहीं करते और आखिरी में आपको निराशा होती है। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि यह आपके चेहरे को काले से बिल्कुल गोरा बना देगा, पर इस बात को निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आप इस उपाय का प्रयोग करके अपने चेहरे पर नई चमक और कोमल त्वचा ज़रूर पा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो आपकी धूप में हुई काली त्वचा को, और यदि आपका रंग काला है तो उसको यकीनन थोड़ा और सुंदर दिखने में ज़रूर मदद करेंगे। तो चलिए जानते हैं वे कुछ उपाय। पहला उपाय है टमाटर और नींबू। टमाटर के पल्प को यदि आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो इससे तुरंत फर्क दिखने लगता है। इसे थोड़े से नींबू के रस के साथ आजमाइए तो यह आपकी संवेदनशील त्वचा के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा है नींबू और शक्कर। शक्कर को नींबू के रस के साथ मिलाकर इसे थोड़े हल्के हाथों से अपने चेहरे पर रगड़ें। इससे क्या होगा कि आपकी डेड स्किन हटेगी और गंदगी बाहर आएगी और आपकी त्वचा तरोताजा होगी। फिर है चंदन। दोस्तों हर सुंदर भारतीय महिला का ब्यूटी सीक्रेट है चंदन। गोरी रंगत देने के अलावा यह एलर्जी और पिंपल को भी दूर करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि चंदन पाउडर में 1 चम्मच नींबू का रस और टमाटर का रस मिलाकर इस पेस्ट को अपने चेहरे पर और गर्दन पर अच्छी तरह से लगा लेना है, और इसको सूखने के बाद इसे ठंडे पानी से धो लेना है, तो यह आपके चेहरे के लिए बहुत फ़ायदा करेगा। फिर है दूध और हल्दी। 1 कटोरी में कच्चा दूध लें और उसमें चुटकी भर हल्दी मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 10-20 मिनट तक अपने चेहरे पर लगे रहने दें। फिर जब यह सूख जाए तो इसे ठंडे पानी से धो लें। इस नुस्खे को आप दिन में कई बार कर सकते हैं तो यह आपके चेहरे की रंगत को ज़रूर सुधारेगा। अगला उपाय है एलोवेरा। दोस्तों एलोवेरा हमारी स्किन के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। एलोवेरा में क्योंकि ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारी त्वचा की मरम्मत करने में सबसे सहायक होते हैं, साथ ही में ये एक अच्छा मॉइस्चराइज़र भी देते हैं, तो एक ही उपाय यह है। फिर है खीरे का रस। स्किन का टोन हल्का करने के लिए खीरे का रस काफ़ी काम आता है। आप अपने चेहरे पर खीरा या तो घीस लें या फिर इसके रस को लगाएं। इसे कम से कम 20 मिनट तक लगे रहने दें तो इससे आपका चेहरे में ज़रूर फर्क पड़ेगा। अगला उपाय है ऑर्गन का तेल और जैतून का तेल। इस तेल से मालिश करने से त्वचा की चमक बढ़ती है और चेहरा गोरा होता है, और साथ ही साथ यह हेल्दी ग्लो भी देता है। उसके बाद है खाने का सोडा। बेकिंग सोडे को पानी में मिलाकर एक पेस्ट बना लें और इसके अंदर 2 या 3 बूंद हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर सिरके की मिला लें और इससे अपनी त्वचा को अच्छी तरह से साफ करें, तो आपका जो भी इसके अंदर डेड स्किन होगी वह इससे निकल जाएगी। पर इसमें एक चीज़ का ध्यान और रखना चाहिए कि जो सिरका है और जो सोडा है उसे कम से कम मात्रा में लें, वरना यह आपकी त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकता है। फिर है नींबू के साथ शहद। यह हमारी संवेदनशील त्वचा के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। इसे लगाने के बाद कुछ ही हफ्तों बाद हमारी त्वचा निखरने लगती है। आखिरी उपाय है दही और बेसन। बेसन और दही मिलाकर लगाने से हमारे चेहरे में तुरंत चमक आने लगती है और चेहरा साफ हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे खास तरीके हैं जो कि हमारी त्वचा को साफ, चमकदार और गोरा बनाने के लिए उपयोगी हैं, जो बड़ी आसानी से और बहुत ही कम खर्च में हमें मिल जाते हैं। कुछ ऐसी ही सेहत से जुड़ी बातें जानने के लिए हमारे चैनल दिल से देशी को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।